नमस्कार, मैं सदानंद पाल अपनी कुछ कविताओं के साथ, जैसा कि आप सब की जानकारी में यह देना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन अवधि में मैंने 3000 से ऊपर रचनाएं लिखा और यह प्रकाशित भी हुआ, जिनमें उपन्यास सहित शोध आलेख, कहानी, लघु कथाएं, विभिन्न आलेख, कविताएं, छनिकाएं शामिल है। उन छनिकाओं में या छोटी कविताओं में कुछ कविताओं का पाठ यहां कर रहा हूं, कृपया गौर फरमाइएगा, सुनिएगा। पहली कविता है स्वर्गीय। स्वर्गीय होने के लिए मरना पड़ता है, स्वर्गीय होने के लिए मरना पड़ता है। वह ईश्वर स्वर्ग में रहते हैं, जब ईश्वर प्राप्ति हेतु मरने ही होंगे तो पाखंड में भटकना क्यों, जब ईश्वर प्राप्ति हेतु मरने ही होंगे तो पाखंड में भटकना क्यों। दूसरी कविता का शीर्षक है तीन चीजें। इस लॉकडाउन में तीन ही चीजें हुई, इस लॉकडाउन में तीन ही चीजें हुई, बाल बढ़ा, बाल झड़ा, बाल पका, पर बाल मुरा नहीं। कविता का शीर्षक है टंडेली। कुछ लोग खुद बैठे रहकर पत्नी से नौकरी कराते, कुछ लोग खुद बैठे रहकर पत्नी से नौकरी कराते, तो दलाल बन दूसरे की पत्नी को नौकरी दिलाते हैं, बिल्कुल नेतुमन जैसी टंडेली मारा करते हैं, बिल्कुल नेतुमन जैसी टंडेली मारा करते हैं। मेरी चौथी कविता का शीर्षक है कटहल आदमी। कोरोना से डर के कारण इस साल न लीची खाया, न आम खाया, न कटहल, और कटहल तो दान कर दिया। ये कैसा है कटहल आदमी। कविता का अगला शीर्षक है एकल मित्र। जो मित्र आपकी जिंदगी में हड़पल करे कद्र, उसे आप सपनों में भी नहीं भूलिए। छठी कविता का शीर्षक है भविष्य का गर्व। देश दुनिया या परिवार की अधिकांश समस्याएं भविष्य के गर्भ में छिपी रहती है। कविता का शीर्षक है आगामी कविता सातवें नंबर सही मित्र। मेरी परिभाषा में मित्र वही है जो सिर्फ आपद काल में ही नहीं बगैर काम के अन्य दिनों भी याद कर ले, हालचाल पूछ ले। मेरी परिभाषा में मित्र वही है। कविता का शीर्षक है पहली सोमवारी। सावन आज से और पहली सोमवारी, इसलिए दिल में श्रद्धा रखिए। किंतु देह लिए अब भी है महामारी, क्योंकि मन मंदिर पूजा पाठ मन के अंदर की चीज है, बाहर तो अभी महामारी है। मेरी नौवीं कविता का शीर्षक है आस्था और महामारी। दिल में हो आस्था भाव, इसलिए पहले देह को महामारी से बचाइए, अन्यथा महामारी आप पर हावी हो जाएगी और आस्था विदक जाएगी। कविता का अगला शीर्षक है चांद की खोज। अमावस में
चांद की खोज में निकला हूं, अमावस में चांद की खोज में निकला हूं, मिलेगी तब न पता बताऊंगा, मिलेगी तब न पता बताऊंगा कि आपको बराती बन कब संग संग चलना है, कि आपको बराती बन कब संग संग चलना है। मेरी 11वीं कविता का शीर्षक है सरमाए रोहित। रोहित ने रोना या रोहित, रोहित ने एक विश्व कप में 5 शतक बनाए, रोहित ने एक विश्व कप में 5 शतक बनाए, फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर थोड़ा शर्माए रोहित शर्मा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मोरल सपोर्ट। 326 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए, 326 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए, इधर भारत जीत की ओर तो हो जाएंगे टीम इंडिया टॉप स्कोरर, हो मोरल सपोर्ट। मेरी 13वीं कविता का शीर्षक है अमावस में आती है चांद। जबकि अमावस में चांद नहीं रहती है, लेकिन मेरी कविता का शीर्षक है अमावस में आती है चांद, अमावस को दिन में निकलती है चांद, अमावस को दिन में निकलती है चांद, पूर्ण सूर्य ग्रहण पर दिन में दिखती पूरी चांद, पूर्णिमा जैसी, जरा गौर से देखिएगा चांद मिल जाएगी आपको। मेरी 14वीं कविता का शीर्षक है बिजली सालगिरह। नवाबगंज विद्युत सब स्टेशन के चालू हुए 2 वर्ष पूरे, नवाबगंज विद्युत सब स्टेशन के चालू हुए 2 वर्ष पूरे, दूसरी सालगिरह की शुभकामनाएं, पर वर्षा में बिजली कटी रहती है, बटी रहती है, फिर किसे मैं शुभकामना दूं, किसे मैं शुभकामना वापस लूं, क्या उनसे शुभकामना वापस ले लूं। मेरी अगली कविता का शीर्षक है टीम इंडिया। धोनी है तो राह है, रोहित है तो चाह है, विराट है तो यह है, टीम इंडिया है तो वाह है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है, जो 16वीं कविता है, 16वीं छनिका है, प्यारे प्यारे। किस मुंह से विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हो प्यारे, किस मुंह से विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हो प्यारे, जब नियोजित शिक्षकों के विशेष वेतन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाकर अरंगा लगा दिए प्यारे, जब नियोजित शिक्षकों के विशेष वेतन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाकर अरंगा लगा दिए प्यारे। मेरी कविता का शीर्षक है, जो 17वीं कविता है, पदना घोड़ा। जो बेपेंदी का लोटा है, ऐसे अतटस्थ यानि पेंडुलम टमाटर टाइप लोगों की गांव में पदना घोड़ा कहा जाता है, ऐसे टमाटर टाइप लोगों को गांव में पदना घोड़ा कहा जाता है। मेरी कविता का शीर्षक है प्रधान सेवक। प्रधानमंत्री कई बने हैं भारत में, परंतु प्रधानमंत्री बनकर सिर्फ एक ने हिम्मत दिखाए कि वह चाय वाला था अब प्रधान सेवक है, मेरी 19वीं कविता का शीर्षक है ईश्वर की खोज। जब मैं आठ वर्ष का था तो किसी ने कहा ईश्वर हरिद्वार में रहते हैं, और उसी के साथ वहां भाग गया पर नहीं मिले ईश्वर, अब तक खोज जारी है। यह सुन आप मुझे नास्तिक कह न दीजिएगा। मेरी आगामी कविता, जो 20वीं कविता है, उनका शीर्षक है आवारा आदमी। मेले में दादाजी से चश्मे की जीद करता था मैं, तो वे कहते थे चश्मा आवारा आदमी पहनते हैं,
दादाजी कभी चश्मा नहीं लगाए और मैंने भी अब तक नहीं लगाया। दादाजी कभी चश्मा नहीं लगाए और मैंने भी अब तक नहीं लगाया। मेरी आगामी कविता का शीर्षक है महंगे कोट। मैं विलासितापूर्ण रहन सहन के विरुद्ध हूँ। मैं विलासितापूर्ण रहन सहन के विरुद्ध हूँ। चाहे घर के सदस्य हो या बाहर के, तेज प्रताप की शादी में खर्च हो या पीएम के महंगे कोट। तेज प्रताप की शादी में खर्च हो या पीएम के महंगे कोट। मेरी 22वीं कविता का शीर्षक है पिकनिक और संवेदना। पिकनिक और संवेदना। ऐसे कई नेतवन हैं जो फेसबुक पर मृतक परिवार के प्रति संवेदना जाहिर करेंगे। ऐसे कई नेतवन हैं जो फेसबुक पर मृतक परिवार के प्रति संवेदना जाहिर करेंगे और खुद परिवार सहित शिमला में पिकनिक मनाएंगे मेरी आगामी कविता का शीर्षक है परजीवी। ऐसे लोग जो प्रायः दूसरे का खाते हैं कहेंगे हम मंत्री परिवार से हैं, एमपी एमएलए परिवार से हैं, रईस हैं, पर दूसरे का खाकर मोटा गए हैं। ये तो परजीवी हैं। मेरी 24वीं कविता का शीर्षक है चश्मे में आदमी। वह आदमी जो चश्मे में रहते हैं अपनी आंख को भूल गए हैं, अपनी धरती को भूल गए हैं, अपनी धरती माँ को भूल गए हैं, अपनी माँ को भूल गए हैं और नर्स रूपी चश्मे को अपना लिए हैं। वह आदमी चश्मे वाला आदमी। मेरी आगामी कविता का शीर्षक है, जो 25वीं कविता है, ईश्वर की खोज। करते करते वे भटक गए, इस कहीं चले गए, वर रह गए और वर जो है अब तक कुमारे है, वारे नियारे हैं। मेरी 26वीं और इस सीरीज की अंतिम कविता का शीर्षक है गुलामगिरी। क्या जोरू इतनी बवालियर होती है कि आते ही जोरन यानी पति को कर देती है चार्चित यानी गुलामगिरी यानी जोरू का गुलाम। अब तक मैंने YouTube चैनल कूड़ा कचरा में इस सीरीज में 26 कविताओं का पाठ किया और YouTube चैनल कूड़ा कचरा की संयोजिका कवित्री सुश्री स्वर्णता बिस्फुल के सहयोग के कारण मैं यह कविता पाठ कर सका हूं। सुश्री स्वर्णता बिस्फुल के साथ मैं यानी कवि सदानंद पाल नमस्कार करते हुए सबको अभिवादन अर्पित करते हैं। सादर धन्यवाद।